हाय एवरीवन, जय माता दी। आज है दुर्गा अष्टमी, संडे है, 6 अक्टूबर है और पूजा मैंने कर ली है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, टीका वीका लगाया हुआ है मैंने, हेड वॉश वगैरह किया हुआ है मैंने। तो आप लोगों के यहाँ पे अष्टमी करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे अष्टमी नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पे नवमी करते हैं। तो पूजा वूजा करके मैंने बस चाय बनाने आई हूँ किचन में। तो चाय बन रही है मेरी, एक ही कप बनती है क्योंकि हस्बैंड तो चाय पीते नहीं है, तो इस छोटे से बर्तन में ही मैं बना लेती हूँ। तो बस कल है नवमी और आज है मेरा फास्ट, तो आज काम भी करना है। वैसे फास्ट वाले दिन माता अपने आप हिम्मत दे देती है। कई बार लगता है कि यार इतना सारा काम है और फास्ट पूरा दिन कैसे होगा, क्योंकि मैं ना दिन में बहुत कम कुछ खाती हूँ। जैसे फ्रूट्स वगैरह लोग खाते रहते हैं, कुछ लोग खाते रहते हैं, क्योंकि अपना अपना वो होता है ना। माता ये थोड़ी कहती है कि अपने आप को तकलीफ दे के फिर मेरा व्रत करो, जिससे जैसे श्रद्धा होती है वो वैसे करता है। तो मैं नहीं खाती हूँ, बट अब मैं खाने लग गई हूँ। थोड़े से फ्रूट्स क्या एक आधा एप्पल खा लिया, या फिर इस बार मैंने हस्बैंड से वो मंगाए हैं साबूदाने के, वो आते हैं ना चिप्स टाइप आते हैं, वो मंगाए हैं। मतलब ऐसे ऐसे वो यार उसको नाम कचरी सी, वो पता नहीं, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ऐसे बोलते हैं उसको। साबूदाने की वो होती है, इमरती टाइप शेप में बनाते हैं, फूल सा, तो वो है। और चाय में उबाल आ रहा है मेरी, तो वो खाऊंगी बस। इससे ज़्यादा नमकीन वगैरह, वो चिप्स वगैरह, वो सब मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि यार एक दिन मौका मिलता है, थोड़ी सी डाइट हो जाएगी, थोड़ी सी पतली हो जाऊँगी तो क्या हो जाएगा। और चलिए चाय बनती है, चाय पी के फिर आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। कपड़े वगैरह धोने आज मैंने बहुत सारे। और तो मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि उससे नोटिफिकेशंस मिलती है आपको। तो नोटिफिकेशन मिलेगी तभी तो मेरी वीडियोस देखोगे ना आप सबसे पहले, और कॉमेंट करोगे, और कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है और नई अच्छी वीडियोस बनाने की। तो प्लीज़ ज़रूर किया करें आप कमेंट, अच्छा लगता है। और मैं रिप्लाई सबका करती हूँ, ऐसा नहीं मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए चाय पी के फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, बने रहिए मेरे साथ। It's like kryptonite, 'cause the sun is shining up above, and the night is just as young as both of us. So let's just stay together, make our own forever, be my guilty pleasure. Your love is born. Am I gonna see the stars in your eyes? जब मेरा फास्ट नहीं होता तो मैं इस चाय के साथ 2 रस्क लेती हूँ बस नाश्ते में। फिर युग जब स्कूल से आता है मैं तभी नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ काम कर लेती हूँ और जब वो आएगा तो उसको भी खिला दूँगी, खुद भी साथ में ही खा लूँगी। क्या पहले मैं खाऊँ फिर उसको खिलाऊँ, तो इसलिए। और चलिए चाय एंजॉय करती हूँ मैं। गर्म है, बहुत गर्म है, इतनी गर्म चाय मुझसे नहीं पी जाती। चलिए ठंडा करके फिर पीती हूँ। और हस्बैंड और योग अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि संडे है, उनका सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो संडे को मैं सोने देती हूँ। सोने दो यार, उनको छुट्टी की मिलती है, हालांकि हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है, बट फिर भी हम लोग यही सोचते हैं कि हस्बैंड को सोने दो, हस्बैंड को तकलीफ ना हो। अब योगी के बाल ये ऐसे कट जाएंगे। जाओ फिर पापा साथ जाओ, जल्दी से गो। बाय योग, बाय। दरवाजा तो खोलो, दरवाजा। होए होए होए, अपने आप चले जाओगे क्या अकेले अकेले? अरे अरे गिरते। सो दूध वाले भैया दूध भी दे गए हैं और दूध गर्म हो रहा है। इसमें जो है भैंस का दूध है और इसमें है गाय का दूध। आजकल योग दूध पीने में बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है। आई मीन बहुत नखरे करता है, वो पीता ही नहीं है। उसको 10 बार बोलो तब जाके 1 या 2 बार पिएगा, 1-2 सिप लेगा और फिर पीता नहीं है वो। मतलब बहुत परेशान कर रहा है। आजकल करते ही हैं सारे बच्चे, बट अभी तक वो नहीं करता था, अब करने लगा है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि काम भी करना होता है और फिर उससे भी, उसके साथ भी बैठे रहो उसको दूध पिलाने के लिए, तो दिक्कत होती है फिर। तो चलिए मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, कपड़े धोने और ये राशन का काम करना है, फिर उसके बाद ही आराम से बैठूँगी मैं। जब तक काम पड़ा रहता है ना तब तक मेरे मन में चलता रहता है ये काम पड़ा हुआ है। तो चलिए काम खत्म करती हूँ, फिर बात करती हूँ। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कपड़े धोने हैं, तो कपड़े धोने के बाद जो शर्ट सूख गई हैं हस्बैंड की, शर्ट पैंट, तो उन्हें मैं प्रेस कर रही हूँ। और इस टाइम शाम के बज रहे थे 4। और जैसे कि आपको थोड़ी देर मैंने पहले दिखाया कि युग की कटिंग कराने लेकर गए थे इसके पापा, यानी कि मेरे हस्बैंड विनय जी। तो ये बिल्कुल भी अंदर नहीं गया बार्बर की शॉप पर, अंदर सैलून में, और बाहर से ही रोते रोते इतना रोया कि इसके पापा इसको बाहर मतलब घर पे ले आए। और नाई ने भी मना कर दिया कि इतना ये हिलेगा रोएगा तो फिर कैसे कटिंग होएगी, कहीं कैंची इधर उधर लग जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए इसकी कटिंग नहीं हुई है। बहुत रोता है ये। कुछ बच्चे बड़े आसानी से कराते हैं वहाँ पे आराम से बैठे बैठे, बट पता नहीं ये क्यों इसको इतना डर लगता है। घर पे भी करने की कोशिश की इसके पापा ने मशीन से, ट्रिमर मशीन से, बट नहीं कराया इसने। बहुत रोया। तो चलिएगा इस मैं प्रेस कर लेती हूँ और शाम की भी तैयारी करनी है, फास्ट के लिए बनाना है। तो आइए दिखाती हूँ मैं आपको मैंने क्या बनाया है, तो ज़रूर देखिए आप। तो गाइस, ये मैं कुट्टू के आटे की पूरी बना रही हूँ। इसमें मैंने कुट्टू का आटा कचौड़ी बना रही हूँ, जिसमें कि मैंने कुट्टू के आटे में हरी मिर्च, सेंधा नमक और आलू डाले हैं। और इसको मैं इस तरीके से एक पॉलीथिन की हेल्प से बनाती हूँ। इस पर तेल लगा के इस पर रख देती हूँ और ऊपर से पॉलीथिन से दबा देती हूँ हथेली से। हाथ की जो ये हथेली होती है इसे प्रेस कर देती हूँ तो बहुत अच्छी बन जाती है गाइस ये। और हाथ से, क्योंकि मेरे से इतनी अच्छे से नहीं बनती, और बनती है तो फिर वो मोटी मोटी बनती है। हालांकि मेरी मम्मी तो हाथ से ही बना लेती थी। तो इस तरीके से ये सारी बना दूंगी मैं। और साबूदाने की भी बनाऊंगी, तो वो भी आपको मैं बना के दिखा देती हूँ। और अभी फ़िलहाल एक और ये बन गई है तो ये वाली बना देती हूँ। बड़े ही आराम से डालना पड़ता है, नहीं तो छींटे पड़ेंगी तो बहुत जल जाएगा। और ये देखिए साबूदाने की बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है साबूदाना और थोड़ा सा कुट्टू का आटा और हरी मिर्च, सेंधा नमक और थोड़े से आलू। तो इसमें मूंगफली डालना मैं भूल गई, हालांकि मैंने कल जो आपको दिखाया था कल के ब्लॉग में उसमें मैंने मूंगफली भी डाली थी। तो ये वही रेसिपी है, बस इस बार जो है मूंगफली डालना भूल गई हूँ मैं। तो देखिए इस तरीके से बन जाएगी और देखिए बहुत अच्छी लगेंगी ये। थाली में दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में कैसी सजाई है मैंने। तो ये पूड़ी बन गई है और अब मैं इसको अच्छे से पलट पलट करके, खाली आप बिना कुट्टू का आटा डाले भी इसको बना सकते हो, बट उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा चिपचिप रहती है, टूटने का डर रहता है कढ़ाई में, तो वो भी बना सकते हैं, बट उसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपके साबूदाना ज़्यादा गीला ना हो। तो कल मैंने पकोड़े बनाए थे कुट्टू के आटे के और आज मैं आपको पूड़ी दिखा रही थी कुट्टू के आटे की। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो भी व्रत होगा या फिर अगले नवरात्रों में आप ज़रूर ट्राई करना। वो रेसिपी काफ़ी लोगों को पसंद आई है, तो आप लोग भी ज़रूर, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना। तो ये भी बन के तैयार है, बहुत अच्छे लगते हैं ये। साबूदाने के खिचड़ी भी आप बना सकते हो और व्रत में आप साबूदाने को फ्राई करके खाओ, बड़े क्रिस्पी लगेंगे आपको कुरकुरे से। तो ये बन गए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। भी भोग जो है अलग से निकाल लिया है क्योंकि उनके लिए निकाल दूँगी पहले ही, उनके बिना तो है ही ना कुछ। माता को भोग लगाने से पहले हम लोग नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए माता का भोग मैंने निकाल दिया है इसमें। तो चलिए अब पूजा कर लेती हूँ मैं। सो गाइस, थाली मेरी तैयार हो गई है, ये देखिए। और ये मैं जाऊंगी हस्बैंड को देने के लिए, क्योंकि मैं तो अभी पहले पूजा करूंगी फिर मैं खाऊंगी। तो अभी मैंने ये हस्बैंड के लिए थाली तैयार कर दी है। ये है साबूदाने की कचरी सी, जो पापड़ टाइप आते हैं वो, और ये है साबूदाने की। इसमें मैंने मूँगफली नहीं डाली है, कल जो बनाए थे मैंने उसमें मूँगफली डाले थे। ये पूड़ी है कुट्टू के आटे की और ये सब्ज़ी है आलू की। तो सूखी सब्ज़ी नहीं बनाई क्योंकि आलू कम पड़ गए थे, तो इसलिए मैंने तरी वाली बना दी। वैसे तरी वाली सब्ज़ी जो है बिना हल्दी के अच्छी नहीं लगती, बट मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, ऐसे कोई चूज़ी नहीं है वो इतने कि नहीं मेरे को नहीं खानी, खाने को लेके वो ऐसे नहीं करते हैं, परेशान मुझे बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो मैं देती हूँ, जो मैं बनाती हूँ वो खा लेते हैं, हालांकि उनसे ज़्यादा मैं हूँ चूज़ी खाने की। तो चले मैं हस्बैंड को देकर आती हूँ, भूख लग रही है उनको और युग भी भूखा है तो वो भी खाएगा। तो कैसे कैसे बनाया वो मैं आपको बता चुकी हूँ। चले फिर चलते हैं, पूजा कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी। आपको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। और कल रात को मैं ब्लॉग ख़त्म नहीं कर पाई तो अभी मैं कर रही हूँ। तो सुबह सुबह 5 बजे उठ के मैंने सारा काम वगैरह किया, हलवा पूरी चने की सब्ज़ी बनाई, फ्रूट्स वगैरह तो हम कल ही ले आए थे जो बच्चों को देने होते हैं। और मैं यहाँ पे सारा काम वाम करके बैठी हूँ और हस्बैंड ने नारियल वगैरह भी छील दिया है और बस सिर्फ इंतज़ार हो रहा है लड़कियों का। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है और लड़कियों की बहुत डिमांड है, मतलब मिल ही नहीं रही है लड़कियाँ ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है उनकी। तो मैं यहाँ पे फिराक में बैठी हूँ कि जैसे ही लड़कियाँ आएँ और मैं उन्हें पकड़ूँ। तो पहले ये जो 7 वाला घर है इनके यहाँ पे आएंगी लड़कियाँ, फिर इनके यहाँ से नीचे आएंगी और नीचे वालों के से फिर मैं पकड़ के लेकर आऊँगी, क्योंकि आके आंटियाँ वगैरह गेट पे खड़ी हो जाती हैं और ले जाती है बच्चों को। तो इसलिए मैं फटाफट ऊपर लेकर आऊँगी बच्चों को और मैं सब आपको दिखाऊँगी कल के ब्लॉग में, क्योंकि आज का ब्लॉग कल मिलेगा आपको और ये ब्लॉग मैं आज यहीं पर एंड कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि पहली बार मेरा जो है इस घर में मैंने जिम आई है, मतलब पहली बार ये लगा लो मेरे हाथ से सब कुछ हो रहा है। शादी को 4 साल होने वाले हैं, अभी हुआ नहीं है दिसंबर में। तो इससे पहले मैं जब अपने इन-लॉज़ के साथ रहती थी तो वहाँ पे सब कुछ मेरी मदर इन लॉ ही करती थी, तो बट मेरे हाथ से यहाँ पर अब सब कुछ मैंने किया है, तो अच्छा लग रहा है सब कुछ। एक जिम्मेदारी होती है ना, एक बड़े हो जाते हैं थोड़ा, वो लग रहा है। तो थोड़ी सी स्टार्टिंग में मतलब सुबह सुबह घबराहट हुई थी कि कैसे हो जाएगा क्या इतनी जल्दी सब कुछ, बट हो गया। कहते हैं मतलब जब सर पे बढ़ता है ना तो लड़कियां सब कुछ कर लेती हैं, तो सब हो गया है। बस लड़कियों का इंतज़ार है, वो आए, उनके पैर वैर छू के और कलावा बांध के टीका लगा के और बस वो थोड़ा सा भोग लगा लें अच्छे से और उनका आशीर्वाद ले लो, पैर वगैरह छू लो। और जब मैं छोटी थी तो मैं भी जाया करती थी घरों में, बहुत अच्छा लगता था। और गिफ्ट्स और पैसों का बड़ा क्रेज़ होता था, काउंट करते थे, एक पर्स रखते थे छोटा सा और उसमें गिनते रहते थे। सब पूछते थे बेटा कितने पैसे हो गए, आज तो मौज हो रही है, तुम्हारी बुकिंग चल रही है, तुम्हारी आज बहुत डिमांड है, तो ऐसे ऐसे अच्छा लगता था। तो वही अब ये सब देख के और बच्चों को वही अपना बचपन याद आ जाता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाती है बेल आइकन प्रेस करने से। तो चलिए मैं लड़कियाँ पकड़ के लेके आती हूँ, नहीं तो भाग जाएंगी और हस्बैंड ने ऑफिस भी जाना है। तो चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।